तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम वापिस अकेले जा रहे हैं कार डीलर जॉब सिम्युलेटर। तो भाई साहब, इसकी ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट जाओ और देखो भाई साहब, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो भाई, इन 3 पार्ट के अंदर मैंने बात की अपनी खुद की पर्सनल कार लेने की, बट यार अभी तक मैं ले नहीं पाया हूँ। मैं क्या करूँ यार, मैं जितना कमाता हूँ वापिस से मेरे पास से खर्चा हो जाता है। मतलब शोरूम को भरने के लिए ना मेरे को वापिस से गाड़ियाँ खरीदनी पड़ती है, लग्जरी सुपर, क्योंकि भाई अभी हम बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं तो ये छोटी मोटी गाड़ियाँ मैं लेना छोड़ चुका हूँ। तो इसी वजह से मैं अपनी खुद की एक सुपर कार नहीं ले पाया। बट उसकी रेट मैंने जरूर से बताई, मतलब उसकी प्राइस मैंने बता दिया ऑलरेडी, और उसकी प्राइस है भाई साहब $4 लाख। लेकिन मेरे पास पैसे तो हो चुके हैं, बट यार मेरे को कारें भी वापस से खरीदनी पड़ेगी, उनको शोरूम में रखनी पड़ेगी, तब जाके मेरा शोरूम अपग्रेड होगा। तो भाई साहब, उसको भी मेरे को देख के चलना पड़ेगा, और खुद की पर्सनल कार लेनी तो भाई मेरे को ज्यादातर कमाना पड़ेगा। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा खुद की एक पर्सनल कार लेने की, और उसका नाम क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा। वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी जाके भाई साहब आपको मजा आएगा। तो गेम प्ले को एंड तक जरूर से देखना, लेट्स गो। तो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले मेरे को भाग के जाना पड़ेगा, शोरूम को ओपन करना पड़ेगा। और जो कि यार पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो कार मॉडिफाई की थी उसको मैंने सस्ते में खरीदा था, और भाई साहब उसको खरीद कर जंकयार्ड से मैं लेके आया था, और उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर कलर वलर करके मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पर खड़ी की थी, जो कि ये वाली कार है। और इसका मैंने दाम तो रखा था, मतलब प्राइस रखा था यार, और वैसे के वैसे मेरे को प्राइस मिल चुका है वापस ऑफर में। तो इसको जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करो, और मेरे पास टोटल वेट, भाई साहब अपने तो वांदे हो गए, गलती से मैंने यार जल्दी जल्दी मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये इतनी बड़ी गलती है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार, मैं सोच भी नहीं सकता, बट हो जाती है यार कभी कभी। और ये सही बताऊँ तो मेरे से पहली बार हुआ है भाई, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। बट यार इसको मैंने इतनी अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया ना, ये कोई भी ले जाएगा यार भले ही ये इतनी महंगी है, बट कोई भी आके लेके जाएगा इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिजली का बिल भर देते हैं, और उसके बाद मैं कर सकता हूँ शोरूम को ओपन। और इसको नहीं भरा तो भाई अपने तो वांदे वैसे लगने वाले हैं। तो फटाफट से अभी बिल तो मैंने भर दिया है, और अभी टोटल मेरे पास ना 5 गाड़ियाँ, लगभग 5 गाड़ियाँ, और इन 5 गाड़ियों को बेच के ना मेरे पास इतने पैसे आने वाले, मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब उनमें मैं गाड़ियों को वापस रख भी सकता हूँ, और साथ ही साथ खुद की एक पर्सनल कार भी लेने वाला हूँ, बट उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार। वेट, सबसे पहले तो शोरूम को ओपन करो, तभी हमारी गाड़ियाँ बिकेंगी। और गाड़ियाँ नहीं बिकी ना भाई तो फिर ऐसे मेरे को घूमना पड़ेगा। और ये सस्ती वाली गाड़ी है, बट देखने में लुक तो यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला है। और इस गाड़ी को तो मैं बेच के रहूँगा यार, इतनी मेहनत से मैंने इसको मॉडिफाई किया ना, मैं क्या ही बताऊँ। और वेट, ये भी कुछ सस्ती गाड़ी लग रही है, ये जल्दी जल्दी बिक जाए ना भाई, तो हम तगड़ी वाली कार यहाँ पर लेके आने वाले हैं। और ये कस्टमर आ चुका है, ये लेडी है भाई, और ये देखो क्या गाड़ियाँ हैं भाई, ये तो पक्का सुपर है। ये सुपरा मैं लूँ क्या? नहीं यार, मेरे को ना फाइनल वाली सुपर कार लेनी है, जिसकी प्राइस है $4 लाख। अभी ये लेडी जल्दी जल्दी ये गाड़ी ले ले, और अपने पास तगड़े वाले पैसे हो जाएंगे। वेट, ये गुस्सा होके क्यों जा रही है भाई, इतनी भी महंगी नहीं है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार उठ के गुस्सा करके जा रहे भाई। ये देखो $42,000 यार, इतनी सस्ती गाड़ी कोई देगा क्या? ओ भाई भाई, ये बंदा मेरे को तगड़ा लग रहा है, इसको फटाफट से एक्सेप्ट करो। ये भाई ले जा जल्दी से। ओके, तो ये गाड़ी बिक चुकी है, पहली गाड़ी हमारी मतलब बोनी हो चुकी है भाई। और इसकी प्राइस मैं देखूं, नहीं मेरे को बेचनी नहीं है भाई, इतनी सस्ती में गाड़ी बिल्कुल नहीं बेचूंगा, मेरे एडी थोड़ी है यार। वाह, ओ, ओ, ओ मैंने गलती कर दी यार, पहले वाले ऑफर को मैंने गलती से रिजेक्ट कर दिया भाई, मतलब इसको भी करना पड़ेगा, इतना कोई डिस्काउंट थोड़ी ना देता यार, ये मतलब लग्जरी कार है, सॉरी सुपर कार है यार। चलते बनो, मेरे को बेचनी नहीं है, मैं इतने सस्ते में बेचूंगा, वो भी ये वाली गाड़ी भाई। इस गाड़ी पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया यार, इसको मॉडिफाई किया, इसके ऊपर खर्चा किया मैंने, तब जाके मैंने कुछ ऐसी गाड़ी खड़ी करी है भाई। और मेरे पास हो चुके हैं भाई साहब $6 लाख, $6 लाख। वाह, अपने 2 लाख तो ऊपर के रह जाएंगे, और 4 लाख में मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। बट यार अभी नहीं, पहले तो इन सब गाड़ियों को निकलने दो, फिर अच्छा सा एक बजट बनाएंगे, ताकि यार दोनों चल जाए। मतलब मेरे को यार ये बिजनेस बंद थोड़ी ना करना है, मतलब यार सुपर कार मेरी चलो बाहर खड़ी है, और अंदर शोरूम के अंदर कुछ भी नहीं, खाली है, तो भाई साहब कैसा लगेगा। ओके, यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा ऑफर मिल चुका है, इसको भी जल्दी से एक्सेप्ट करो। और यहाँ पर वेट, एक और जन आके गया है, अरे हद कर है भाई साहब, मतलब दिनों दिन, मतलब टाइम टू टाइम यार इसका प्राइस गिरते जा रहा है, मैं क्या ही बताऊँ यार। इसको भी जल्दी से रिजेक्ट करो यार, मेरे को इतने दामों में बेचना है इसको, जो प्राइस मैंने रखी है ना उसी में बेच के दिखाऊंगा इसको। और अभी यहाँ पर भी भाई, ये कौन अंजू पंजू लंजू आके जा रहे यार, खूब भर भर के डिस्काउंट मांग रहे हैं मेरे से, मैं भी करूँ तो करूँ क्या, इन गाड़ियों को कैसे बेचूँ यार। वेट, ये बंदा कब से अंदर ही है, ये चोर वोर तो नहीं है ना, अगर ये चोर होता ना भाई तो गाड़ी इसको अच्छी तरीके से बताता था। वेट, यहाँ पर मेरे को वाह अच्छा ऑफर मिला, इसको भी जल्दी से बेचो।
और वेट, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ मैंने लगभग बेच दिया अभी, और ये दो गाड़ी और बिक जाए ना भाई तो अपना काम हो जाए। वेट, ये क्या कर रहा है भाई, मतलब इसको पसंद नहीं है ये गाड़ी। चलो ठीक है भाई, गाड़ी तो सबको पसंद आ रही है भाई, लेकिन यार मतलब इनका बजट नहीं बैठ रहा, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, अपनी गलती है भाई, ये गाड़ी कब की बिक चुकी है, बट मैंने गलती की थी। और अभी इस गाड़ी का मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब मैं कब से देख रहा हूँ यहाँ पर सबके सब लोग जो भी आ रहे हैं बंदे सब डिस्काउंट मांग रहे हैं, और अगर मैं ऐसे ही डिस्काउंट देता रहा ना भाई तो मतलब ये आदत हो जाएगी इनकी, फिर ये हर गाड़ी के पीछे भाई तगड़ा वाला प्राइस मतलब यार डिस्काउंट मांगेंगे। ओ वेट, ओ भाई यार ये बंदा कौन है, इसको तो चूमना पड़ेगा मेरे को। वेट, अरे भाई भाई तेरी शक्ल तो दिखा दे मेरे को, ये बंदा वही है क्या जो कि अभी अंदर? नहीं यार ये तो फंसा हुआ है अभी तक, ये शायद से हैंग हो गया है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी गाड़ी भाई तगड़ी प्राइस में बिक चुकी है तो इसको फटाफट से एक्सेप्ट करो, अभी मेरे को कोई भी गलती नहीं करनी है। अब की बार कोई गलती कर ली ना भाई तो मैं इस गाड़ी को बेचूंगा ही नहीं। फाइनली ये गाड़ी बिक चुकी है, और इसका मैं क्या करूँ यार, इसको बेच दूँ क्या मैं? वैसे अपने पास बहुत सारे पैसे हो चुके हैं। नहीं भाई, मैं अगर ऐसा सोचूंगा ना तो फिर कमा लिया और खा लिया, बट कोई नहीं, एक बार की यार, एक बार की और रिजेक्ट कर देते हैं, ये लास्ट बार। अब की बार कोई भी प्राइस आया ना उसमें मैं बेच दूंगा, भले ही वो 5 रुपये क्यों ना हो। वेट, अभी तो कोई भी ग्राहक नहीं दिख रहा मेरे को, तो मेरे को ना सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, एक बार की मेरे को यार सस्ती गाड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि खुद की एक गाड़ी लेनी है तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ कि यहाँ पर गाड़ियाँ भाई मैं कौन सी रखने वाला हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा सेडन, है भाई लग्जरी सेडन भी नहीं। ओ वेट, इनमें से कुछ चूज़ करना पड़ेगा मेरे को, रेसिंग बर्ड और लाइट बर्ड, यह है 60,000 की, और ये भाई साहब डिमांड है इस कार की, सच्ची बता रहा हूँ, लाइट बर्ड है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी, और ये 60,000 की गाड़ी है, $60,000 की, और इसके अंदर मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, मतलब 12,000 तो लगभग सोच के चलो। और इस यहाँ पर मैं प्राइस रखने वाला हूँ 71999, चलो इसका प्राइस मैंने सेट कर दिया है। और एक गाड़ी ना भाई खड़ी रख के मतलब कितनी अच्छी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ। अभी देखो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा ना तब ये निकल के आएगी गाड़ी, और ये ऑटो सेल हटाते पहले तो यार, ये देखो, वाह भाई भाई भाई, ये मस्टैंग है, मस्टैंग मेरी फेवरेट कार है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। और इसके अंदर इसका नाम है रेसिंग बर्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है, बट मैं इसको पहचानता हूँ इसलिए इसका नाम मेरे को मालूम है। और वेट, यहाँ पर कोई और आया क्या? वाह चलो यार ठीक है, अभी तो प्राइस ठीक ही है तो इसको भी एक्सेप्ट करते जल्दी से। और यहाँ पर नेक्स्ट गाड़ी जो कि कौन से होने वाली है, ये बंदी आ गई यहाँ पर ख़रीदने के लिए, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से ख़रीद लो। और मेरे को अभी खुद की गाड़ी भी लेनी है, ये हंस के गई भाई, मतलब इसको पसंद आ गई। वाह, मैंने कहा था ना भाई इस गाड़ी की डिमांड है, बट मैं ये ले सकता हूँ, लेकिन यार मैंने सोच लिया पहली वीडियो में या सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने सोच लिया था कि मेरे को वो गाड़ी लेनी है जो कि यार $4,00,000 की है। तो फटाफट से इसको वापस एक्सेप्ट करते हैं और वापस यहाँ पर यही गाड़ी मैं खड़ी कर देता हूँ, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं यार पहले। और यहाँ पर कौन सी गाड़ी खड़ी करते हैं, वेट वेट, यहाँ पर ब्लैक सही रहेगी यार, $42,000, मतलब मैं इसको $50,000 के अंदर बेच सकता हूँ। 53, ओ सॉरी ये क्या कर रहा हूँ भाई मैं, 50399, ओके वेट शोरूम, वेट यार मेरे को नींद आ रही है, मेरे को जाके सोना पड़ेगा वरना ये जो भी पैसे हैं ना सब मैं लूट जाऊँगा, सच्ची बता रहा हूँ। इसके अंदर ये रूल तगड़ा वाला है यार, मतलब सोना ज़रूरी है, खाना पीना चलेगा, मतलब भूखा तो चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको सोना है। ओके ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए शांति, वैसे मैं थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा यार, लगभग मैंने 6-7 गाड़ियाँ बेच दी अभी अभी, और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हो चुके हैं मेरे पास, $12,00,000। तो भाई साहब इसके अंदर तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं बहुत कुछ ले भी सकता हूँ, बट यार मेरे को यह शोरूम भी चलाना है तो मेरे को देख के चलना पड़ेगा, और कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी लोन की तो सामने बैंक है यहाँ से मैं ले सकता हूँ, बट यार अपने को ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास बहुत सारे पैसे अभी फ़िलहाल, तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो भाई सोचेंगे। और ये वाली गाड़ी भाई साहब, वेट इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ मैं, ये देखो भाई साहब घुमाते ही मतलब गाड़ी के ऊपर लाइट जैसे ही पड़ती है ना भाई, क्या लुक निकलता है गाड़ी का, ये देखो वाह। वेट यहाँ पर मेरे को वापस से वही गाड़ी खड़ी करनी चाहिए शायद से, लेकिन यहाँ पर एक सुपर कार खड़ी कर ही देता हूँ यार। ओ वेट, बुगाटी भाई साहब, ब्लैक बुगाटी यार, यहाँ पर भी एक ब्लैक, दो ब्लैक हो जाएंगी ना, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगी, और इसको मैं बेच सकता हूँ, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है भाई, $24,000। वाह चलो यार इसको जल्दी जल्दी प्राइस फिक्स करते हैं इसकी, ठीक है चलो इसकी प्राइस मैंने सेट कर दिया, बट इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, ये देखो भाई
काफ़ी ज़्यादा मस्त यार, दो ब्लैक कार्स, और यहाँ पर कौन सी गाड़ी, कौन सी वेट यहाँ पर ना, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लिखा है तुर्की तुर्की या कुछ, नाम तो अजीब सा लग रहा है मेरे को, बट यार ठीक है, यहाँ पर यह वाली गाड़ी खड़ी करते हैं। और इसकी प्राइस है 85,000, और यहाँ पर मैं इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कमा सकता हूँ यार, 1,02,000, ओके 10,199। और तीन गाड़ियाँ मैंने लगभग यहाँ पर खड़ी कर दी है, और इसको इन तीनों को खड़ी करने के बाद अभी मैं लेने वाला हूँ खुद की पर्सनल कार, जो कि होने वाली है वेट, ओ भाई भाई ये भी कुछ कम नहीं है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो अभी यहाँ पर तीन गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मस्त कारें हैं, दो सुपर कार ही और एक लग्जरी कार है। बट अभी यहाँ पर भी दो कारें खड़ी करनी है, और अपने पास पैसे तो बहुत सारे भाई, हो अपना तो काम हो गया। और यहाँ पर मैंने सस्ती वाली गाड़ियाँ सोची थी, बट मैंने तगड़ी तगड़ी वाली गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करी है, और अभी मैं ना खुद की भी गाड़ी एक ले सकता हूँ और इनसे अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ यार। तो अपने को पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर गाड़ी में खड़ी करने वाला कार लो, वाह ये है 70,000, और 84,000 के अंदर मैं भेज सकता हूँ इसको, तो 83,999, ओके। अब ये लास्ट एक लास्ट गाड़ी और खड़ी करनी है मेरे को, बाद में हम लेने वाले खुद की पर्सनल कार और वेट यार। और गाइस ये गाड़ी ना पीछे से भी कितनी जहर लग रही है, सच्ची बता रहा हूँ। चलो इसकी मुंडी तो मैंने सीधी कर दी है, और ये गाड़ी वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद तो आ रही है, मेरा मन कर रहा है यही ले लूँ मैं, बट यार इसको यहाँ पर खड़ी कर दी ना भाई, मतलब अभी हम इसको नहीं ले सकते, मेरे को खुद की एक अलग ही कार लेनी है भाई। ओके यहाँ पर मैं कौन सी गाड़ी खड़ी करूँ, वेट यहाँ पर ना एक्सलोर्ड, मतलब यार ये इसको क्या बोलते हैं यार, लैम्बोर्गिनी, इसको यहाँ पर खड़ी करते, चलो 1,01,000, वाह यार ये भी मतलब कम नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कार है। ओके इनकी मुंडी मैंने सीधी कर दी है, अभी हम फाइनली लेने जा रहे हैं खुद की एक पर्सनल कार, और वो होने वाली है वेट यार, इसको पहले यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा तब जाके बाहर आएगी, वरना तो ये अंदर खड़ी कर दूँगा फ़ायदा क्या होगा यार। फाइनली आज मैं खुद की कार लेने जा रहा हूँ यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, पहले तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा मेरे को। अभी थोड़ी सी शांति रखते हैं, और अभी मेरे को शोरूम को ऑन नहीं करना है, मतलब ओपन नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद करूँगा खुद की एक पहले पर्सनल कार ले लेता हूँ, और उसकी थोड़ी सी यार राइड ले लेता हूँ मैं, फिर आराम से काम करेंगे। और यहाँ पर है अपनी सुपर कार, और भाई साहब ये रही कारोल, और इसका नाम है, सॉरी इसका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया यार और इसका नाम है ला फरारी, भाई साहब इसका नाम तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और ये कार भी कुछ कम नहीं है, और इसकी रकम मतलब ये सबसे महंगी कार है भाई, यहाँ पर जो भी जितनी भी कारें हैं सबसे महंगी यही कार है, इसलिए मैंने इसको फाइनल कर लिया था, और फाइनली आज मैं इसको लेने जा रहा हूँ यार, वाह फाइनली मैंने ख़रीद ली। अभी मेरे पास पैसे कितने बचे, $4,40,450, मतलब हमारा शोरूम भी फुल हो चुका है, और भाई साहब मैंने खुद की पर्सनल कार भी ले ली है, और साथ ही साथ मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, वेट अभी नहीं, पहले हम जाएंगे कार की एक राइड कर आएंगे, फिर आगे की सोचेंगे भाई हमारी कार किधर है भाई, वेट ये रही भाई, वाह मतलब यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग कम है यार, वरना तो अंदर तो तगड़ी वाली लगने वाली थी। तो कार के अंदर बैठो सबसे पहले, और भाई साहब मेरे को ये सिटी घूमनी थी, वेट ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही, फ्यूल नहीं है क्या, ओ भाई भाई चली, मैं भी सोच रही है चल क्यों नहीं रही यार। ओके लेट्स गो अभी निकलते घूमने के लिए भाई, ये सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ओ चलो यार चौथी वीडियो चौथे पार्ट के अंदर फाइनली, वेट यार मेरी नई गाड़ी ठुक गई, कचरा हो गया यार इसका तो, वेट लेकिन मैं राइड तो करके आऊँगा वापस, इसको मैं मॉडिफाई कर लूँगा यार, मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं, वाह यार ये सिटी कितनी अच्छी है, वाह मैंने आज देखा सच्ची बता रहा हूँ मैं कभी घूमा नहीं हूँ ना, पहली बार मैंने गाड़ी लिया, और वेट यार मेरी गाड़ी ना बहुत, वेट हाथ दे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब मैं अपनी गाड़ी की तो बैंड बज गई भाई, वेट ये क्या हो गया भाई साहब, यार मैंने गाड़ी अभी तो निकाली है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं राइडर नहीं हूँ ना भाई, राइडर बनना पड़ेगा अभी मेरे को। चलो अभी मैंने थोड़ी सी सिटी तो घूम ली है, बट मेरे को अभी जाना पड़ेगा फटाफट से, और शोरूम को ओपन भी करना पड़ेगा यार, और वैसे मेरे को नींद आ रही है अभी यार, घर के पास ये गाड़ी खड़ी करते हैं और फटाफट से सोते हैं पहले तो।
काश यार फाइनली मैंने कार तो ले ली है और फिर से यहाँ पर ठोक दी मैंने। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैंने गलत ही गाड़ी ली है क्या? कोई नहीं, इसको वापस से ठीक ठाक करनी पड़ेगी। इसके अंदर खर्चा तो बहुत ज़्यादा आया है, मेरे को पक्का बताए भाई। जल्दी से अभी निकलो और यहाँ पर मेरे को पहले तो झपकी लेनी पड़ेगी। हाश मैं बहुत ज़्यादा थक गया यार आज। तो फाइनली दोस्तों आज मैंने अपनी खुद की गाड़ी ले ली है और भाई साहब 3 टक्कर भी मार दिए। मैं क्या यार, अभी अभी तो मैंने गाड़ी ली है और 3 टक्कर, मतलब पूरा बोनेट टूट गया आगे का भाई। और अभी मेरे को वापस इसके ऊपर डबल खर्चा करना पड़ेगा और इसको वापस से अच्छी तगड़ी वाली बनानी पड़ेगी, मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके यार मतलब मेरे को थोड़ी बहुत ना राइडिंग भी सीखनी पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा गंदा चला रहा हूँ, बस सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो गाइस आज का ये गेम प्ले अगर आपको पसंद है तो भाई दिल से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसी मज़ेदार और गेम प्ले, फनी गेम प्ले आप डेली देख सकते हो इस चैनल पर। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक न्यू गेमिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।